घर पर आमचूर बनाने के लिए सबसे पहले आम को, कच्चे आम को छोटे छोटे इस तरह के टुकड़ों में काट लें। उसके बाद इसे अच्छे से सुखा लें। ये थोड़ा दरदरा लग रहा है, इसलिए हम इसे 1 या 2 मिनट के लिए और पीस लेते हैं। तो दोस्तों, हमारा आमचूर पाउडर पीसकर तैयार है। हम इसे अलग कंटेनर में निकाल लेंगे और इसे बहुत लंबे टाइम तक स्टोर हम रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी खराब भी नहीं होता और हम इसे सब्जी में या रसोई में बहुत सारे कामों में, टेस्ट बढ़ाने के लिए, बहुत सारी जो है चीज़ों में टेस्ट बढ़ाने के लिए इसका यूज किया जाता है। सब्जी में खासकर जैसे करेले की सब्जी में, पेठा यानी कि कद्दू की सब्जी में भी अमचूर जो है इस्तेमाल होता है। कई सब्जियों में अमचूर का इस्तेमाल किया जाता है और घर पर बनाया हुआ अमचूर जो होता है वो बहुत ही शुद्ध होता है। थोड़ी सी मात्रा में डालने पर ही ये टेस्ट को, खाने के टेस्ट को बढ़ा देता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी छोटी सी जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं, मुझे पहली बार सुन रहे हैं, तो मेरे चैनल घर का वैद को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी।